ये देखिएगा, छोटी सी यहाँ पर खोखा रखा है, तोड़ दिया गया है। ये है गरीब का खोखा, ये देखिए तोड़ रहे हैं इसको। ओ बाबा, अरे बाबा, तोड़ दिया इसका। क्योंकि आपको बता दूं, रसूखदार नहीं दिखते, क्योंकि गरीब का खोखा है, तोड़ा जा रहा है। रसूखदारों के बिल्डिंग और घर छूट जाते हैं, और एक गरीब का अगर रिक्शा भी खड़ा हो जाए रोड पर तो ये टूट जाते हैं। ये चाहिए, पीछे बिल्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिल्डिंग देख लीजिएगा, मिराज बैंकट एंड रेस्टो, साफ साफ लिखा है। आप यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड पंजाबी ढाबा द्वारा देख लीजिएगा, मिराज बैंकेट एंड रेस्टो, ये NI-5 का एरिया पड़ता है, और यहाँ से MCF का जो हेड ऑफिस है मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं है। ये देखिएगा, इसको नोटिस 3 जुलाई को इसको नोटिस दिया गया, कारण बताओ नोटिस कि इस बिल्डिंग को क्यों ना तोड़ा जाए, क्योंकि ये नियम कायदे कानून के खिलाफ। जी साहब, एक सीधा सीधा सवाल है, बिल्डिंग बन जाती है 3 फ्लोर की होती है, 6 मंजिला बन जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती, नोटिस देके छोड़ जाते हैं, एक गरीब का खोखा नजर आता है, रसूखदार का नहीं नजर आता। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। फैदाबाद प्रशासन या कहें MCF विभाग को सिर्फ गरीब की ही कुटिया या गरीब की ही दुकान दिखती है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि नारियल वाला बैठा है, खोखे वाला बैठा है, तो उसे तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि भैया उनकी सरकारी ज़मीन पर उन्होंने खोखा लगा कैसे लिया, दुकान कैसे लगा दी, क्योंकि भाई सरकारी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। हम भी कहते हैं कि अतिक्रमण किया है तो हटाइए, लेकिन नियम दोनों तरफ एक जैसे रखिए, अमीर के लिए भी, रसूखदार के लिए भी, और कहते गरीब के लिए भी, खासकर दोनों नियम बराबर होने चाहिए। पीछे बिल्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिल्डिंग देख लीजिएगा, मिराज बैंकट एंड रेस्टो, साफ साफ लिखा है। आप यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड पंजाबी ढाबा द्वारा देख लीजिएगा, मिराज बैंकट एंड रेस्टो, ये NI-5 का एरिया पड़ता है, और यहाँ से MCF का जो हेड ऑफिस है मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं है। ये देखिएगा, इसको नोटिस 3 जुलाई को इसको नोटिस दिया गया, कारण बताओ नोटिस कि इस बिल्डिंग को क्यों ना तोड़ा जाए, क्योंकि ये नियम कायदे कानून के खिलाफ है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड जितना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इसको नहीं दिया गया है इस पे। अब जरा बिल्डिंग देख लीजिएगा, एक तो इसमें आप देखिएगा ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, आप देखिएगा इसमें ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, बेसमेंट बना हुआ है, जितनी भी आप देखिएगा ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, और बेसमेंट के साथ साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जितने भी देखिएगा मेरे सामने देखिएगा, बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नक्शा देखिएगा, इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो पीछे देखिएगा, पीछे वाला हिस्सा जो मेरी उंगली है, 5th फ्लोर तक बना रखा है इसको। मतलब पीछे से अगर देखें तो बेसमेंट है, बेसमेंट में आप देखिए जहाँ टूलेट लिखा हुआ है, जहाँ टूलेट वो लिखा हुआ है वो बेसमेंट है नीचे, मतलब बेसमेंट है, ग्राउंड है, उसके बाद देखिएगा फर्स्ट सेकंड ये थर्ड और फोर्थ, और लास्ट में पीछे वाला बिल्डिंग देखिएगा, पीछे वाला जो मेरी उंगली है इस पर 5th फ्लोर तक बनाया गया है। मतलब नियम कायदे कानून के खिलाफ ये साफ साफ स्ट्रक्चर है, ये साफ साफ MCF विभाग ने नोटिस जारी किया है, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक तोड़ी क्यों नहीं गई, ये सवाल का घेरे में मेरे को आज लगा, क्योंकि हमने कोशिश की कि ऐसी कोई बिल्डिंग निकाली जाए जो MCF को नोटिस गया हो, और MCF गरीबों पर कार्रवाई कर रहा है तो अमीरों के भी दिखाने की आवश्यकता है, रसूखदारों की खासकर दिखाने की आवश्यकता है कि भाई इनका फोन किसका फोन जाता है, या ऐसा क्या हो जाता है कि इन पर कार्रवाई करने से विभाग बार बार डरता है कि कर देंगे तो शायद नौकरी चली जाएगी, कर देंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ मामला बिगड़ जाएगा। तो रसूखदारों की हो सकती है प्रॉपर्टी, हमारा मतलब कुछ नहीं है, हमारा मतलब सीधा यह है कि एक दो तस्वीरों को द्वारा, दूसरी तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा। यह देखिएगा, इधर से रास्ता जो आता है, ये NI-5 का मैं रास्ता भी दिखा दूं, और इधर आप जाते हैं तो ये नीलम की तरफ निकल जाता है। तो जिस तरीके से हालात हैं, ये बिल्डिंग है, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मेन हमारा पर्पस जिस बात का है कि आपको सिर्फ गरीबों की प्रॉपर्टी नज़र आती है, गरीबों के खोखे नज़र आते हैं, गरीबों की आपको दुकानें नज़र आते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी जिस पर नोटिस जारी हो रखा है, 3 जुलाई को नोटिस है तोड़ने का, नोटिस कि तोड़ना है, मतलब वार्निंग दी गई है या फिर पूछा गया है, कारण बताओ नोटिस जिसे कहते हैं, कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि भैया आपने ये नक्शा जो बनाया है इसके बारे में जानकारी दीजिए, आपके साथ कार्रवाई क्यों ना किया जाए इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि अमीर का है, रसूखदार का, इसलिए अभी तक हम कोशिश करेंगे, हमसे विभाग से ही पूछ रहे हैं कि बताइएगा जरूर कि इस पर क्या कार्रवाई हुई, या इस पर कारण बताओ। तस्वीरें भी देख लीजिए कि प्रशासन की 2 तरीके के रवैये किस तरीके से होते हैं, सवाल के घेरे में है या नहीं। एक तरफ नारियल पानी के जो खोखे वाले को तोड़ दिया जाता है, दूसरी तरफ आप देखिएगा एक खोखे को जिस तरीके से तोड़ रहे हैं MCF विभाग वाले। जेई साहब से भी हमने सवाल पूछा, सुनिएगा क्या जवाब मिला, क्योंकि ये 2 रवैये, ये 2 कानून शायद हमारे इंडिया में ही हैं, हमारे फैदाबाद में ही बनते हैं। कार्रवाई सिर्फ एक पे होती है, गरीब पर, रसूखदार फोन से, दबाव से, प्रेशर से, या फिर किसी के कहने पर छूटने की कोशिश करता है। इस पर MCF को सवाल हमारा है, जवाब देने की आवश्यकता है, क्या कारण बताओ नोटिस का जवाब इस पर आया, अगर आया है तो जवाब दीजिए, नहीं आया है तो फिर इस बिल्डिंग खड़ी है, क्यों खड़ी है इसका भी आप जवाब दीजिए। आप देख रहे थे
सिटी न्यूज 100। नमस्कार। सीधा सीधा सवाल है, बिल्डिंग बन जाती है 3 फ्लोर की होती है, 6 मंजिला बन जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती, नोटिस देके छोड़ जाते हैं, एक गरीब का खोखा नजर आता है, रसूखदार का नहीं नजर आता। नहीं, क्यों नहीं करते कार्रवाई? करते हैं कार्रवाई। अभी नहीं करते। NIT 5 में 3 मंजिला फ्लोर है, 6 मंजिला बना दिया। मैं तो वही कहता हूँ, गरीब का खोखा दिख जाता है, सरकारी नहीं है। कुछ नहीं, गरीब का आदमी इनको वार्निंग दे रखी, 6 महीने से लगातार दे रहे हैं। गरीब उसको भी हाथ जोड़ लिए, इनके सबको पैर से समझा। सो कॉज नोटिस भी जारी हो जाता है अमीर को, रसूखदारों को, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। चलिए आज एक खबर दिखाएंगे आपको, उसको जरूर देखिएगा। ये देखिएगा, तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, गरीब दिखता है, रसूखदार शायद पर्दे के पीछे होकर कुछ काम कर जाता है, फोनबाजी कर जाता है, या फिर कुछ भी दबाव बना जाता है, इसलिए बच जाता है। ये देखिएगा, हाल इस तरीके के हैं।